अर्चा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी और खास खबरों पर। अभी मार्गशीर्ष अगहन मास चल रहा है और इस मास की अमावस्या तिथियों की घटबढ़ की वजह से 2 दिन 30 नवंबर और 1 दिसंबर रहेगी। अगहन मास की अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करने का विशेष महत्व है। दीपावली के बाद ये पहली अमावस्या रहती है, इसलिए आज श्रद्धालु दान पुण्य और नदी स्नान खास तौर पर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 दिसंबर 2024 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन के राज्य कन्वेंशन सेंटर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में इस समय मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, जहां कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरन में डाला है। वहीं आज से 2 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी भी जारी की गई। रांची में ऑटोनोमस मारवाड़ी कॉलेज में 2 दिवसीय सेकंड इंटर डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज से शुरू होगा। इसका विषय इमर्जिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पॉलिसीज एंड मेथडोलॉजी है। रांची वर्ष 2026 के इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्म तथा कक्षा 11वीं की परीक्षा का फॉर्म आज से ऑनलाइन भरा जाएगा। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आवश्यक सूचना जारी की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आज से यात्रियों के लिए परिवहन सेवाओं में सुधार लाने जा रहा है। 30 नए यूरो 6 बसें बेड़े में शामिल होंगी, जो बेहतर सुविधाओं और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। लखीसराय में आज से शुरू होने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में भव्य पंडाल निर्माण सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। मोतिहारी में बेसिकॉन 2024 का 43वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन आज से शहर के ऐतिहासिक धरती पर किया जा रहा है। यह आयोजन चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य सर्जनों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो कि लोगों को फायदा पहुंचा सके। भारत के चिकित्सा क्षेत्र में एक नई दिशा और पहचान देने वाले महान चिकित्सक डॉक्टर नंदलाल सिन्हा के योगदान को याद करते हुए आज पूरे देश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस मनाया जाएगा। धामनौत से इंदौर के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए नया वैकल्पिक मार्ग तैयार हो चुका है। आज सुबह 10 बजे से ये मार्ग चालू कर दिया जाएगा। इस नए मार्ग से वाहनों की धामनौत की ओर जावक बंद कर दी जाएगी। 8.8 किलोमीटर लंबे इस वैकल्पिक मार्ग का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर करेंगी। ये नया मार्ग राव खलघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद देश के सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट गणपति घाट पर हादसों को रोकने में सहायक होगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 2000 में भारत की सुंदरी प्रियंका चोपड़ा ने लंदन में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया था। आज ही के दिन सन 2004 में बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 45% सीटों के लिए आरक्षण वाला विधेयक पारित हुआ था। आज ही के दिन सन 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने संघीय जांच एजेंसी के गठन की घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 1731 में बीजिंग में भूकंप से लगभग 1 लाख लोग मरे थे। आज ही के दिन सन 2001 में विश्व प्रसिद्ध पॉप गायक जॉर्ज हैरिसन का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।